फ्रेंड वेलकम टू मैक्स वाला। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सीक्वेंसिंग। ओआर का टॉपिक है सीक्वेंसिंग ले रहे हैं। अब इसमें मॉडल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन मॉडल नंबर वन, एन जॉब ऑन टू मशीन। अब एन जॉब है और टू मशीन है, उसके बाद में ये होगा कि एन जॉब है, थ्री मशीन है, फोर मशीन है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कौन सी मशीन पे कैसे उसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस मतलब फ्लो प्रोसेस। किसी मशीन पे कौन सी मशीन पे कौन सा जॉब जाएगा, सेकंड फर्स्ट मशीन पे कौन सा जॉब रहेगा, सेकंड पे कौन सा जॉब रहेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, सबसे मिनिमम टाइम लगे। तो इसको जॉब को अरेंज करने से पहले अपन को जॉनसन रूल देखना पड़ेगा। ये जो अरेंज होती है जॉब वो जॉनसन रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, कौन सी जॉब पहले जाएगी और कौन सी जॉब बाद में जाएगी। तो अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपने पास, ये जॉब नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, मशीन ए, जिसका टाइम दे रखा है 5 आवर 8, 12 और 17। फोर्थ जॉब को 17 आवर लग रहे, ऐसे ही इसका टाइम। मशीन बी का टाइम दे रखा है, एग्जाम्पल। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। अब मशीन ए और बी में सबसे मिनिमम टाइम कितना है अपने पास, 4 है। सबसे मिनिमम टाइम 4 है अपने पास, तो ये कौन से मशीन का पार्ट है, सेकंड मशीन का पार्ट है। जॉब जॉब नंबर कौन सा है, 4। मशीन बी का पार्ट है तो पीछे से शुरू, राइट से शुरू करना है, और मशीन ए है तो लेफ्ट से शुरू करना है। अब देखते हैं इसको हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कितनी है अपने पास, मतलब टाइम कितना मिनिमम, 5 है, और कौन सी जॉब है, 1, जॉब नंबर 1 है, और मशीन कौन सी है, 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, इसको भी अपन कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट के देखते हैं, जॉब नंबर मिनिमम टाइम कितना, 8 आवर है, और जॉब नंबर 2 है, किसका है, लेफ्ट, लेफ्ट से शुरू होगा क्योंकि मशीन ए का पार्ट है, जॉब नंबर 2। थर्ड नंबर रिमेनिंग यही रहा आपके पास, ये आपके पास अरेंज हो गया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और अपने पास एग्जांपल है, ये जॉब नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और टाइम दे रखा 6, 6, 12, 15, 10, 8, 12, 14, सॉरी 16, ये अपने पास टाइम दे रखा। अब इसको अरेंज करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं टाइम दे रखा है, मिनिमम टाइम कितना अपने पास, 6 है, तो दोनों में मतलब 6 6 टाइम इक्वल है टाइम। तो अब ये देखना पड़ेगा मशीन 2 में टाइम किसके साथ कम लग रहा है, तो ये 6 लग रहा है, इसमें 8 आवर लग रहा है, इसमें 6 है, इसमें 10 आवर, तो मिनिमम टाइम ये है, तो पहले जॉब ये आएगा, कौन से मशीन का टाइम, 6 6 है, ए मशीन का है, जॉब नंबर कौन सा है, 2, ये 2 पहले आएगा। उसके बाद में ये रहा आपके पास जॉब नंबर 1, उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ जॉब रही, मिनिमम टाइम कितना, 12, कौन से मशीन का फर्स्ट का है, 3, एंड लास्ट वन 4th, क्योंकि एक ही रहा रिमेनिंग, ये 4, ये अपने पास जॉब अरेंज होगी। ये क्या हो गया, टाई हो गया, दोनों का टाइम इक्वल है तो टाई हो गया। तो इस टाई होने के बाद अपन को क्या करना है, सामने वाली जो मशीन 2 का पार्ट है उसको देखना है कि मिनिमम टाइम कितना है। थर्ड एग्जांपल है अपने पास, जॉब दे रखी है 1, 2, 3 और 4, जॉब नंबर है, मशीन ए और मशीन बी। अब इसमें देखते हैं कैसे इसको अरेंज करें। सबसे पहले अपन देखना मिनिमम वैल्यू कितनी है अपने पास, मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसमें टाइम दे रखा 3 है, तो सबसे कौन सी है, मशीन ए का पार्ट है, जॉब नंबर 2। उसके बाद मिनिमम टाइम कितना है अपने पास, 5, ये कैंसिल हो चुका है, 5 है मिनिमम टाइम, मशीन ए का पार्ट है, जॉब नंबर 1। थर्ड नंबर में मिनिमम टाइम कितना है, 7, जो कौन सी मशीन का पार्ट है, नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, जो फोर्थ रही जॉब रिमेनिंग, फोर्थ नंबर वो होगी जॉब। अब देखते हैं ये एग्जांपल एक और दे रखा है अपने पास, जॉब नंबर ए बी सी एंड डी, और टाइम दे रखा है इनका। अब देखते हैं सबसे मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम टाइम 8 है, मिनिमम टाइम 8 है, और उसके अपने सामने देखा ये ट्राई हो गया अपने पास क्योंकि टाइम इक्वल है। उसके अपोजिट साइन देखा उसमें बी मशीन में कि मिनिमम टाइम कितना है, तो उसमें भी देखा कि दोनों टाइम इक्वल है। तो इस कंडीशन में अपन किसी को भी पहले ले सकते हैं। अब एक बार देखते हैं अपन पहले ए को लेके चलते हैं, ए, उसके बाद में आएगा अपने पास बी, उसके बाद में रहेगा अपने पास सी, लास्ट में रहेगा अपने पास डी, ये हो गया। अब ये भी कर सकते हैं को बी को पहले ले सकते हैं, तो फिर क्या अरेंजमेंट होगा इसका, बी पहले आएगा, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी, ये इसका अरेंजमेंट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि जब एन मशीन, ये तो अपने अरेंजमेंट देख लिया कि जॉब को कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज कर लिया, उसके बाद में कौन सी मशीन कितना टाइम लेगी उसको अपन फ्लो प्रोसेस में देखेंगे कि ये मशीन इतना टाइम ले रही है, और फाइनल वैल्यू देखेंगे इस मशीन को ओवरऑल वर्क करने में कितना टाइम लगा। थैंक यू गाइज।